अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको मेरी कुछ लास्ट वीडियोस से पता चल गया होगा कि हम मिसिसागा में हैं, क्योंकि हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे जश्न आज़ादी। तो 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए हम मिसिसागा पहुँचे। यहाँ पर वैसे तो बहुत सी जगहों पे इवेंट्स हो रहे थे, हमें इस जगह का पता चला तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ एक रेस्टोरेंट है हवेली ग्रिल्स के नाम से, उसके बाहर ग्राउंड में पार्किंग में ये इवेंट मनाया जा रहा है। तो कुछ सिंगर्स भी पाकिस्तान से आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अभी हमने सोचा कि जो स्टॉल्स लगे हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ स्टॉल्स को देख के यकीन जाने बहुत मज़ा आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कैनेडा नहीं पाकिस्तान में हैं। आपको पाकिस्तानी कपड़े मिल जाएंगे, जूती मिल जाएंगी, बेड शीट्स और नेकलेस वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि बहुत महंगी भी नहीं है। अभी मैं आगे चल के आपको एक नेकलेस दिखाऊंगी जो $25 में है। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इसकी कीमत इतनी ही होगी। और यहाँ पर आपको ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं पहली दफ़ा इस तरह के इवेंट में आई हूँ जब से कनाडा आए हैं। तो इस तरह के स्टॉल्स भी ऑनलाइन तो देखा करते थे, लेकिन रियल में एक्चुअल वहाँ जाकर आज पहली दफ़ा देखा है। बहुत अच्छा लगा है। माइंड में नहीं था कि शॉपिंग करनी है, इसलिए शॉपिंग हमने नहीं की। लेकिन आज क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सिर्फ देखते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर आने वाले दिनों में जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इस तरह के इवेंट्स यहाँ चलते रहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर आकर लगा। चलें आप देखें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। I have only one piece and long one, 25. Hyderabad is kind of proper. Yeah, जी, तो जो शॉपिंग थी वो तो थी, उसके साथ साथ आपको पाकिस्तानी मज़ेदार जलेबी, गोलगप्पे, दही बड़े, समोसे, इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टॉल्स एक साइड पे लगे हैं, वहाँ आप जाएं मज़े से अपनी पसंद की चीज़ लें और साइड पे अपनी चेयर डाल के बैठें और खा जाएं। तो चेयर हम नहीं लेकर आए थे, इसलिए हम साइड पर ही नीचे बैठ गए थे और हमने जो थोड़ा बहुत खाना था वो खा लिया।
और इसके अलावा यहाँ पर आपको पाकिस्तानी मैंगो भी मिलते हैं, तो जो बहुत मज़ेदार लग रहे थे, अब देखते हैं हम वो लेते हैं या नहीं लेते, आगे चल के पता चलेगा। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ गोलगप्पों की दुकान पे, काफ़ी लंबी लाइन है, जैसे पाकिस्तान में गोलगप्पों की शॉप के बाहर दुकान लाइन लगी होती है, बिल्कुल वैसे ही। चार दिन